लेकिन एक सेकंड, इतनी सारी थ्योरीज और इतने सारे रेफरेंसेस बताने का फायदा क्या हुआ, जबकि हमें अभी भी नहीं पता है कि भैरवा और कर्ण के बीच में क्या कनेक्शन है। क्या भैरवा सच में कर्ण का इनकार्नेशन है या फिर कोई और बात है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो भैरवा को कर्ण की शक्तियां यूज करने दे रही है। प्लस आपने एक बात और नोटिस की क्या, भैरवा जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, वो एक चिरंजीवी अश्वत्थामा से फाइट करता है, इतने हैवी अटैक सर्वाइव करता है और उसे कुछ नहीं होता, ब्लीड तक नहीं करता भैरवा। क्यों इतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन में कैसे आई? वेल गेस व्हाट, इसका भी आंसर है मेरे पास। लेकिन सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, आखिर भैरवा ने कर्ण की पावर्स कैसे यूज की? वेल, बाकी यूट्यूबर्स की तरह अगर मैं सिंपल आंसर देना चाहूँ, या मूवीज के टर्म में हम जिसे लेजी राइटिंग कहते हैं, वैसा अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भैरवा कर्ण का रीइंकार्नेशन है, जो कि एक सिंपल एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, बट वी विल नॉट गो दैट वे। तो सबसे पहले कल्कि के ट्रेलर में हमें अर्जुन का धनुष गांडीव देखने को मिला, जो कि कुरुक्षेत्र में दबा हुआ था और यास के लोगों को ये धनुष मिला। अब सोचो, अर्जुन का एक इतना इंपॉर्टेंट वेपन गांडीव हमें ऑलरेडी इस मूवी में दिख चुका है, और ऐसा कुछ कर्ण से रिलेटेड भी पृथ्वी पर ऑलरेडी मौजूद है। अभी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा हमारे पुराणों में ही लिखा गया है। तो लेट मी टेल यू दैट स्टोरी। तो एक्चुअली में कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा, और सूर्य देव ने कर्ण को एक कुंडल और एक कवच वरदान में दिया था, जिसके रहते कर्ण को नहीं मारा जा सकता था। बेसिकली एक ऐसा आर्मर जिसको भेदना नामुमकिन है, और इंद्र भगवान को इस कवच और कुंडल के वरदान के बारे में ऑलरेडी पता था। और क्योंकि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्ण का सामना करना था, तो इंद्रदेव अपने बेटे को हारते हुए तो नहीं दिख सकते थे। अर्जुन को इंद्र का बेटा कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा, बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पे इंद्रदेव ने एक गेम खेला, जहाँ वो एक साधु का रूप रखे कर्ण के पास जाते हैं, जहाँ कर्ण स्नान करके तालाब से बाहर आ रहे होते हैं। अब कर्ण को दानवीर कहा जाता है, ये आप सभी को पता है, जहाँ वो स्नान करके आने के बाद कोई भी उनसे कुछ भी मांगे वो बिना सोचे उसे दे देते हैं। तो इंद्र भगवान उनके स्नान करने के ठीक बाद वहां पे आते हैं एक साधु का भेष बना के, और कर्ण से कहते हैं कि उन्हें उनका कुंडल और कवच चाहिए। अब कर्ण को पता चल गया था कि ये साधु और कोई नहीं बल्कि इंद्र भगवान है, बट क्योंकि कर्ण काफी दानवीर आदमी थे, उन्होंने अपना कुंडल और कवच बिना सोचे इंद्र को दे दिया। और ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव स्वर्ग में आने से ठीक पहले इस कुंडल और कवच को हिमालय के पर्वतों में छुपा आए थे। तो व्हाट इफ भैरवा को ये कुंडल और कवच हिमालय से या कहीं और से मिला? अब इसकी पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी मूवी में हम भैरवा को एक आर्मर पहने हुए देख सकते हैं, एंड जिस तरह के अटैक्स इस भैरवा के आर्मर ने झेले हैं, ये कोई ऑर्डिनरी आर्मर तो नहीं हो सकता। भैरवा ने लिटरली एक चिरंजीवी अश्वत्थामा से 1-on-1 फाइट की है, इतना सारा डैमेज लिया है और उसको थोड़ा सा भी चोट नहीं आया। क्यों? ये एक लॉजिकल आंसर हो सकता है कि भैरवा का जो आर्मर है वो नॉर्मल आर्मर नहीं है, वो कर्ण का कवच है। इसी वजह से अश्वत्थामा के इतने ज्यादा अटैक करने के बाद, इतना ज्यादा डैमेज देने के बाद भैरवा को कुछ नहीं हुआ, जबकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अब सिंस ये कवच या फिर आर्मर कर्ण का है, तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, बट ये भैरवा को नहीं पता, और मोस्ट प्रोबेबली ये कर्ण का कवच ही है जो कि भैरवा को एंड में कर्ण की पावर यूज करने देता है। तो यू कैन से कि ऑल डॉट्स आर कनेक्टिंग। अब मूवी में अर्जुन का गांडीव दिखा दिया गया है, जो कि यास्किन यूज करेगा, तो भाई भैरवा के पास भी तो कुछ होना चाहिए, और कर्ण का कवच और कुंडल बहुत ज्यादा सेंस बनाएगा इस मामले में, क्योंकि हमारे पुराणों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि इंद्रदेव ने उस कुंडल और कवच को हिमालय में ही कहीं छुपा दिया था। तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि भैरवा को वो चीज मिल गई हो, एंड सिंस ये थ्योरी दो सवालों का जवाब एक साथ दे देती है, तो काफी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं इस अकेली थ्योरी से। प्लस मूवी में कई बार भैरवा को एक ग्रेट वॉरियर और एक अच्छा फाइटर कह के मेंशन किया जाता है। भैरवा के साथ बुज्जी और ये कैरेक्टर, ये दोनों ही बोलते हैं कि भैरवा आज तक एक भी फाइट नहीं हारा। तो कुछ तो स्पेशल होगा ना बंदे में कि आज तक एक भी फाइट नहीं हारा ये आदमी। एंड मेरे ओपिनियन में ये स्पेशल चीज वही आर्मर है जो भैरवा को कभी हारने ही नहीं देता, और इसी आर्मर की वजह से भैरवा अश्वत्थामा के डेडली अटैक्स को भी सर्वाइव कर पाया। और वैसे देखा जाए तो कर्ण का रीबर्थ या रीइंकार्नेशन किसी भी पुराण में मेंशन नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो यहां पे मेरे को करेक्ट कर देना, बट मेरे अकॉर्डिंग उनका रीइंकार्नेशन कहीं भी मेंशन नहीं है। तो उनका कुंडल और कवच एक बहुत बढ़िया प्लॉट पॉइंट साबित हो सकता है पार्ट 2 के लिए, और ये हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दे देगा। खैर, यही थी मेरी एक छोटी सी थ्योरी। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।